हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बिज बिल तो कम होगा बट आपके लिए कैसे आप ऐसे राइट करेंगे लॉन्ग कॉम्पोजिशन जो आपके एग्जाम में आता है हाई स्कूल इंटर के। तो आज मैंने टॉपिक उठाया योर फेवरेट टीचर, योर बेस्ट टीचर, द टीचर यू लाइक मोस्ट। उसी टॉपिक को एकदम सिंपल से लैंग्वेज में कैसे आप राइट करेंगे। बहुत टफ सेंटेंसेस, बहुत ही ज्यादा हाई फाई वर्ड्स यूज करने या सेंटेंस को यूज करने की जरूरत नहीं है, वो अभी आपके सेंटेंस से भी परे है, आपके समझ से भी परे है। सिंपल सेंटेंस में मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे आप राइट करिए, यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। राइट लाइक दिस वे, फर्स्ट ऑफ ऑल योर टीचर को आप माई टीचर कर दीजिएगा, माई बेस्ट टीचर, माई मोस्ट फेवरेट टीचर, माई फेवरेट टीचर, माई बेस्ट टीचर, द टीचर आई लाइक मोस्ट, इस तरह से। और उसके बाद उसमें जो भी आपकी वहां पर हेडिंग्स रहती हैं, तो नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले उसका परिचय आप कराइए। जैसे मैंने यहां पर लिखा है आई रीड इन स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, आप अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा सिंपली, क्योंकि उसकी स्पेलिंग आपको याद होगी। आई रीड इन स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज प्रतापगढ़, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं। फुल स्टॉप लगाइएगा कि मैं प्रतापगढ़ के इस इंटर कॉलेज में पढ़ता हूं। श्री या मिस्टर जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखिए। जैसे मैंने यहां लिखा है श्री या मिस्टर आर के सिंह टीचेज अस इंग्लिश, जो भी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है, जाहिर सी बात है इंग्लिश का ऐसे लिख रहे हो तो इंग्लिश वाले टीचर का मेंशन करना। आप किसी और सब्जेक्ट का भी कर सकते हो बट इंग्लिश का ऐसे है ज्यादा अच्छा रहेगा कि इंग्लिश वाले टीचर को बताइए, लेकिन आप चाहें तो मैथ्स, हिंदी किसी भी टीचर को आप राइट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लैंग्वेज सेम ही रहेगी, टीचेज अस इंग्लिश, मुझे पढ़ाते हैं, ही इज एन आइडियल टीचर, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, आदर्श अध्यापक हैं। आइडियल मतलब आदर्श, बस इतना सिंपल से आपने उनका इंट्रोडक्शन दे दिया, बस दैट इज एनफ। हिज ड्रेस, उनका ड्रेस देख लीजिए कैसे वो पहनावा है, उनका क्या वेशभूषा है। तो मिस्टर सिंह इज अ वेरी सिंपल मैन, बहुत ही साधारण आदमी है, एकदम सिंपल सेंटेंस। ही वियर्स सिंपल क्लोथ्स, एकदम सिंपल क्लोथ्स वियर माने पहनते हैं, ही वियर्स। हिज फेवरेट ड्रेस इज पैंट एंड शर्ट, उनका फेवरेट ड्रेस पैंट एंड शर्ट है। अब धोती और कुर्ता तो आजकल के अध्यापक नहीं पहनते हैं तो आप नहीं भी लिख सकते उसको, बट आप जो भी उनका फेवरेट ड्रेस है आजकल, पैंट शर्ट या सूट जो भी आप है उसको राइट कर दीजिए, सिंपल सा हिज फेवरेट ड्रेस इज। फिर उसके बाद ही वॉशेस हिज क्लोथ्स विद हिज ओन हैंड्स, वह अपने हाथों से अपने कपड़े को वॉश करते हैं, धोते हैं, ये भी बहुत गुड हैबिट है। ही लुक्स वेरी स्मार्ट इन हिज व्हाइट क्लोथ्स, वो अपने व्हाइट क्लोथ्स ये अपने कपड़ों में बहुत ही स्मार्ट दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत ही स्मार्ट लुक होते हैं। हो गया इनका ड्रेस। हिज क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यताएं, उनकी पढ़ाई लिखाई कहां तक हुई है। ही इज एम ए इन इंग्लिश, तो जिस सब्जेक्ट के हैं आप एम ए किया है उन्होंने, एम ए आप इसको पोस्ट ग्रेजुएट लिख सकते हैं, क्या जरूरत है, एम ए लिख दीजिए पर्याप्त है। ही इज ए ट्रेंड टीचर, वो एक प्रशिक्षित माने ट्रेंड टीचर है, मैंने उन्होंने प्रशिक्षण लिया है पढ़ाई का, बीएड वीएड किए होंगे तो आप उसको मैंने मेंशन करिए, ही इज ए ट्रेंड टीचर, दैट इज गुड। ही हैज फुल कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट पर उनका पूरा कमांड है, यानी जो पढ़ाते हैं एवरीथिंग आपको बताते हैं, फुल कमांड है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही इफेक्टिव और बहुत इंप्रेसिव है। द स्टूडेंट्स फॉलो हिज टीचिंग क्वाइट ईजली, और सारे बच्चे उनके मेथड को फॉलो करते हैं। समाप्त हो गया, क्वालिफिकेशन इज फिनिश्ड। हिज बिहेवियर, अब उनका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, तो आप इसको बताइए। हिज बिहेवियर इज वेरी फाइन, बहुत फाइन माने अच्छा, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। ही हैज ग्रेट लव एंड अफेक्शन फॉर हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के लिए उनके दिल में बड़ा, ही हैज ग्रेट लव एंड अफेक्शन फॉर हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। ही हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स ऑलवेज, वो हमेशा गरीब
स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ही नेवर लूजेस हिज टेंपर, वो कभी गुस्सा नहीं करते, कभी भी नहीं करते। लूज टेंपर माने गुस्सा होना भाई, हो गया। इनका बिहेवियर भी फिनिश। हिज हैबिट्स, उनकी आदतें क्या है। ही इज अ वेरी पंक्चुअल एंड रेगुलर टीचर, ये लाइन जरूर लिखिएगा। वैसे जितनी लाइन है इसमें कुछ मिस करने लायक नहीं, इतनी सिंपल लाइने हैं। ही इज अ वेरी पंक्चुअल एंड, बहुत ही नियमित टीचर है, बहुत पंक्चुअल है, समय से आने वाले हैं टीचर। ही नेवर मिसेज हिज क्लास, वो अपना क्लास कभी मिस नहीं करते हैं, ठीक है। ही इज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, ही इज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, तो ईमानदार है, बहुत परिश्रमी है। ही इज गुड ओरेटर ऑल्सो, वो बोलते वक्ता बहुत अच्छा, ओरेटर माने वक्ता, प्रोग्राम वोग्राम में बोलते होंगे आपके टीचर, बहुत अच्छे ओरेटर हैं। ही पार्टिसिपेट्स इन कल्चरल प्रोग्राम्स ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट माने भाग लेते हैं। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, टीचर के लिए बेस्ट लाइन होती है कि वो सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करते हैं। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए। ही इज लव्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के द्वारा उनको बड़ा प्रेम किया जाता है, उनको बहुत लव करते हैं सारे स्टूडेंट्स। आई लाइक हिम मोस्ट, मैं उनको सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। आई कैन से दैट, अब मैं फाइनली आई कैन से दैट, बस अंत में मैं यही कहूंगी, फाइनली आई कैन से दैट, एक कोटेशन है, बहुत अच्छा है टीचर के बारे में। एज इज द टीचर सो इज द नेशन, इसको लिख दीजिएगा टीचर पर। एज इज द टीचर सो इज द नेशन, जैसा होता है अध्यापक वैसा ही बनता है राष्ट्र। एज इज द टीचर सो इज द नेशन, नेशन मतलब राष्ट्र। बहुत सिंपल है, दो चार बार इसको आप लिसन कर लीजिए, इसको वॉच कर लीजिए, दिखाई तो नहीं देगा, बिजबिल नहीं होगा, मैटर थोड़ा बड़ा है, तो आप इसको वॉच करिए, इंजॉय करिए और अपनी परीक्षा पर फुल अटेंशन दीजिए। आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस ऑन ट्रांसलेशन, रिपोर्ट राइटिंग या एप्लीकेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू वेरी मच, इंजॉय, कीप रीडिंग।